तो नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोर मोटिवेशनल में। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसे नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक साथ घाट किनारे अपना डेरा डाल रहा था। वहाँ वह अपनी रमा कर दिन पर बैठा रहा और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओ। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे, वे उसके बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते उसे वह उस पर हंस देते। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते पर गुजर रहा था। साधु की चलाने की आवाज़ उसके कानों में भी आ पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वक्त सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दे देता हूँ, उससे तुम जितना चाहे हीरा मोती बना लो। साधु बोला, साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियों साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसके एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा यह दुनिया का सबसे कीमती मोती, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद आप वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया को जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करके वह हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। सफलता आवश्यक है।